हेलो ब्रियोन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी विद्युत विभाग की तरफ से नई भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए ऑफलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भी जारी कर दिए गए हैं। इस बार आप सभी सुपरवाइजर, टेक्नीशियन और साथ में इलेक्ट्रीशियन के पदों पर आने वाली 26 अगस्त 2024 तक ऑफलाइन तरीके से बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। आपकी 1 भी रुपये अप्लीकेशन फीस यानी फॉर्म फीस नहीं लगेगी, तो आप लोग निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में कंप्लीट नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। बिना किसी मिस्टेक के ऑफलाइन आवेदन कैसे करना जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट या कैंसिल ना हो जाए, इसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में जानकारी मिलेगी। 10वीं पास है तो ये वैकेंसी आपके लिए है। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। आप सभी भारत के किसी भी राज्य से और मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी है। अगर आप सुपरवाइजर की पोस्ट पे सेलेक्टेड होते हैं तो आपको 30,000 रुपये तक स्टार्टिंग का, और अगर आप टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन के पदों पर सेलेक्टेड होते हैं तो आपको 23,000 रुपये स्टार्टिंग का देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर आपको A to Z वैकेंसी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके लिए आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं आज को अपने मेन टॉपिक ऑफिशियल वेबसाइट प्लस नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया। आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसको देखें, कोचीन पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है 2024 के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल सर्च करेंगे, naukrikhabar.com आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी, और यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट जॉब देखने को मिलेंगी। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो 31 जुलाई 2024 से आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट आने वाली 26 अगस्त 2024 की है। आपको दिए गए समय में आवेदन जरूर से कर देने हैं। इसके बाद आपकी अप्लीकेशन फीस है, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप चाहे जनरल OBC EWS हो, SC ST PHO फीमेल हो, आपको 1 भी रुपये अप्लीकेशन फीस नहीं देना है। और चाहे आप किसी भी जेंडर या स्टेट से आते हो, आप लोग निःशुल्क ही आवेदन करने वाले हैं। उसके बाद आपकी एज है, जो कि कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 साल होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एज है। सुपरवाइजर के लिए अलग एज है, और जो टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है उसके लिए अलग एज है, जो कि आगे नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। वेरियस पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज पोस्टें आपको नोटिफिकेशन में मिलेंगी। पोस्ट नेम यहाँ पे 2 तरह की हैं। पहली तो आपकी इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर है, यानी कि विद्युत सुपरवाइजर की पोस्टें हैं, और दूसरा यहाँ पे आपको टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन की पोस्टें देखने को मिलेंगी। देन हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। 10th ITI ग्रेजुएशन पास है तो किसी भी पोस्ट वैकेंसी के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में आपको बता देंगे। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन पदों पे आवेदन कर सकते हैं। टुडे टॉप जॉब लिस्ट की बात करें तो आज की नई नौकरियों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। कैटेगरी वाइज या क्वालिफिकेशन वाइज आप लोग अपने जॉब्स को देख सकते हैं, और जिस भी जॉब के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड होंगे आवेदन भी कर सकते हैं। वेतन के बारे में बात करें तो 23 से लेकर 30,000 रुपये तक पर मंथ की सैलरी आपको इजिली देखने को मिलती है, और ये जो सैलरी है वो सुपरवाइजर के लिए ज़्यादा और इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन के लिए थोड़ी कम रहने वाली है। इसके बाद जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो नोटिफिकेशन में टेस्ट और इंटरव्यू बताया गया है। साथ में किसी भी वैकेंसी के अंदर आखिरी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर से होता है। कैसे आप लोग आवेदन करेंगे इसके बारे में जानकारी है। अभी यहाँ पे आपको 2 लिंक मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा। जिनका डाउट होता है कि लिंक कैसे मिलेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा एडवर्टाइजमेंट हटाएं, शायद आप लोगों ने ऑलरेडी हटा दिया होगा, या फिर इसको जो है तो हटाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। इसके बाद ये ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं। अप्लीकेशन फॉर्म के सामने जो क्लिकर की बटन है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है, या नोटिफिकेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन के सामने जो क्लिकर की बटन है इस पर आप लोग एक बार क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका नोटिफिकेशन और अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया तो हम इसको ओपन कर लेते हैं।
तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। कोचीन पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से नोटिफिकेशन है, लेकिन जो आपकी पोस्टें हैं, नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर एंड टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पे आपको पोस्टें मिलती हैं। मेन यहाँ पे है नेम ऑफ दी पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसी, एज और सैलरी, और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन बताया गया है। पहली पोस्ट है इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर की, वही जो मैंने बताया आपको, विद्युत सुपरवाइजर की, या कह सकते हैं कि बिजली विभाग सुपरवाइजर की। इसके बाद यहाँ पे जो अगली पोस्ट है वो टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन की है। सुपरवाइजर के लिए 30,000 रुपये की सैलरी है और जो अधिकतम उम्र है वो 40 साल तक की है। इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन के लिए 23,000 की सैलरी है और अधिकतम उम्र 30 साल की है। टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन के लिए 10th पास और साथ में ITI। इलेक्ट्रीशियन सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे डिग्री चाहिए होगा। इसके बाद यहाँ से हम नीचे आते हैं तो आपको डेट्स मिलती हैं और साथ में एक एड्रेस मिलता है। डेट है 26/8/2024 की, यानी कि 26 अगस्त तक आप लोग आवेदन करेंगे, और जो यहाँ पे आपका एड्रेस है उसको भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे बताया गया है। इस लाइन पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कैंडिडेट फॉर टेस्ट इंटरव्यू, कुछ भी हो सकता है। आपको शॉर्टलिस्टेड करने के बाद जो है तो यहाँ पे टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है, या फिर कम लोग होंगे तो इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। उसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं, आपको जो आवेदन करना वो ईमेल आईडी के माध्यम से करना होगा, और ईमेल आईडी के माध्यम से ही यहाँ पे टेस्ट और इंटरव्यू की जानकारी आपके साथ में शेयर की जाएगी। इसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन के बारे में ही जानकारी दी गई है। इसके बाद आपको एक ऑफलाइन फॉर्म मिलता है, अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देंगे। नेम इन फुल ब्लॉक लेटर, बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखना है। फादर्स नेम ऐड करेंगे, डेट ऑफ बर्थ और एज यहाँ पे लिखेंगे। जेंडर अपना बताना, मेल फीमेल। मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, जो भी हो आपका स्टेटस। रिलीजन एंड कास्ट बताना है, यानी धर्म और कैटेगरी बतानी है। यहाँ पे आपको बताना है कि आप PH हैं, AWS, OBC, ST, SC, ST आपको बता देना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना होगा, आधार कार्ड का, फ़ोन नंबर और एक ईमेल आईडी। क्वालिफिकेशन के अंदर सीरियल नंबर 1 देंगे, 10th पास हैं तो 10th, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नेम। इसके बाद कौन से साल में कौन से महीने में पास किया, क्या परसेंट और मार्क ग्रेड रहे, रिमार्क के अंदर भी जानकारी आप दे सकते हैं, और साथ में अपना सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट का फोटोकॉपी भी आपको अटैच करना होगा। इसके बाद यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसकी जानकारी दे देनी है। लैंग्वेज आपको बताना है, स्पोकन रिटन, कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, कौन सा बोल सकते हैं, कौन सा लिख सकते हैं। इसके बाद अदर अचीवमेंट अगर कोई है, आपको लगे कि जॉब के अंदर इम्पोर्टेंट है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्लेस, डेट और सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट करके जो एड्रेस आपको दिया गया है उस एड्रेस पे आपको इस फॉर्म को सेंड करना होगा। ध्यान रखिएगा एक बात का कि आपको दिए गए पते पर ही भेजना है ऑफलाइन तरीके से। इसके अलावा जो भी एनेक्शर फर्स्ट के अंदर जो फॉर्म दिया गया है उसके बारे में जो भी जानकारी यहाँ पे दी गई है इसको आप लोग देख सकते हैं। लास्ट डेट से पहले रिसीव हो जाना चाहिए और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें फिलअप होनी चाहिए, और अगर आप एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं तभी आपको आवेदन करना है। बाकी की जानकारी के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं naukrikhabar.com, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी और इसके अंदर लेटेस्ट जॉब का सेक्शन और उसके अंदर कंप्लीट अपडेट आपको देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।